अब इसमें से कुछ तो सम जो जनरल पॉइंट है, क्योंकि अपन बहुत सारे स्टूडेंट सब लगभग जो पढ़े हुए हैं मेरे से, तो सबने नोट्स में होंगे भी आपके पास में, तो बहुत सारे जो कॉमन पॉइंट है वो पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे रुधिर शरीर में रुधिर की कुल मात्रा औसत रूप से अपन बताते हैं 5 से 6 लीटर। ध्यान रखना, अगर आएगा तो आपको आंसर ये देना पड़ेगा 5.5 लीटर। बॉडी वेट का कितना परसेंट बताया अपन ने, 7 से 8। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आंसर क्या दोगे, 8%। इस तरह से तो हमारे शरीर में ब्लड की जो कुल मात्रा है वो 5 से 6 लीटर है। नंबर 2, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। अभी डिस्कस किया था इस पॉइंट को अपन ने कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, भी रुधिर तरल संयोजी ऊतक है, पॉइंट अभी अपन ने लिया था। नंबर 3, रुधिर का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, अभी अपन ने एक पॉइंट लिखा था ऊतकों का अध्ययन, तो उसमें कंप्लीट टिश्यूज आ गए, सारे आ गए उसमें, संयोजी सब कुछ आ चुका। और एक पर्टिकुलर उत्तक देखो, उत्तक में भी संयोजी और संयोजी में कौन सा गया, रुधिर, रुधिर का अध्ययन, तब नाम आता है हिमेटोलॉजी। और यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होता है, जैसे आपको पूछा रुधिर का अध्ययन कहलाता है और ऑप्शन ए में ए लिखा हुआ है हिस्टोलॉजी, अब बताओ हिस्टोलॉजी इसी से मिलता जुलता वर्ड है हिमेटोलॉजी, तो हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं, टिक कर दिया अगले क्वेश्चन पे चले गए, क्योंकि अगर ऑप्शन ए मिलता जुलता है तो डेफिनेटली हम सारे ऑप्शन पे ध्यान देते ही नहीं है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, एग्जाम नजदीक है, इन पॉइंटों को भी ध्यान रखना, ये कमजोरी है हमारी। हमेशा जब आंसर देते हो तो कम से कम एक बार ऑप्शन चारों जरूर देख लिया करो, तो कई बार क्या होता है कि जो मिलता जुलता ऑप्शन है ना, चारों देखोगे तो डेफिनेटली ध्यान में आ जाएगा। और ऑप्शन ए में ही आ गया पहला और वो मिलता जुलता है तो डेफिनेटली वो गलत ही जाता है, फिर हम रूम पर आकर उसको सही करते हैं। समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखना। तो रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। नंबर 4, अगला जो पॉइंट बता रहा हूं मैं वो पॉइंट है रुधिर का पीएच मान। पीएच अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पीएच पैमाना वैज्ञानिक सोरेनसन ने दिया था पदार्थ की रासायनिक प्रकृति बताने के लिए। पीएच का मान 7 है, उदासीन प्रकृति को दर्शाता है, 7 से कम पीएच मान दर्शाता है अम्लीय प्रकृति को, और 7 से ज्यादा पीएच 14 तक जो बताता है वो क्षारीय प्रकृति को। रुधिर का पीएच मान होता है 7.4, और इसलिए इसको बोला जाता है कि ये है हल्का क्षारीय, स्लाइटली एल्काइलिन, हल्का क्षारीय। भाई 7 तो उदासीन है, 0.4 बढ़ा तो अपन ज्यादा क्षारीय नहीं कह सकते, हल्का क्षारीय। तो रुधिर का पीएच मान है 7.4, इसको बोला जाता है हल्का क्षारीय। एक यहीं पर एक पॉइंट में नोट करा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को ध्यान भी आ गया होगा कि सर क्या पॉइंट नोट कराने वाले हैं, कि रुधिर का पीएच परिवर्तित नहीं होता है, रुधिर का पीएच परिवर्तित नहीं होता है, अतः इसे बफर विलयन कहा जाता है, अतः इसे बफर विलयन कहा जाता है। देखो बफर वैज्ञानिक का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था, वैज्ञानिक बफर ने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली ऐसे विलयन बनाए जिनका पीएच परिवर्तित नहीं होता है, और प्राकृतिक रूप से नेचुरली रूप से दो पदार्थ बफर हैं, एक तो रुधिर, जंतुओं में पाए जाने वाला रुधिर, और दूसरा समुद्र का पानी, इनका पीएच परिवर्तित नहीं होता है। रुधिर का पीएच 7.4 और समुद्र के पानी का पीएच है 8.4, दोनों आए एक पॉइंट बढ़ते हैं, उसको याद भी रख लेना दोनों को। तो रुधिर का पीएच परिवर्तित नहीं होता, अतः इसे क्या नाम दिया जाता है, बफर विलयन। अब यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया कि हमारे शरीर में बफर विलयन का उदाहरण बताओ, तो आप आंसर क्या दोगे भाई, रुधिर। ध्यान, जंतुओं में किसी भी पूछोगे तो आप आंसर क्या दोगे, रुधिर दोगे, क्योंकि बफर विलयन किसको कह रहे हैं, जिसका पीएच बदलता नहीं है, वो यहाँ पर जंतुओं में कौन सा पदार्थ आया, रुधिर आया। तो ये जो चारों पांचों कॉमन पॉइंट बताया मैंने, मात्रा किस प्रकार का ऊतक, अध्ययन पीएच मान, और एक पॉइंट इसी से जुड़ता हुआ ये बता दिया कि रुधिर किस प्रकार का विलयन है, भी बफर विलयन है। अब आगे जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रुधिर का संगठन, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है अपने को। रुधिर का संगठन,
ब्लड कंपोजिशन रुधिर का संगठन, रुधिर के संगठन की बात करें इसको सबसे पहले दो वर्गों में बांटा जाता है। एक तो बोलते हैं भाई रुधिर प्लाज्मा, ये तो तरल मैट्रिक्स बोला जाता है, और एक बोलते हैं रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। एक तो क्या लिखा मैंने, ब्लड प्लाज्मा और एक ब्लड कॉर्पस। रुधिर कणिकाएं, ब्लड प्लाज्मा ये है ब्लड का 55% पार्ट, और रुधिर कणिकाएं ये है ब्लड का 45% पार्ट। रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा तरल संयोजी पदार्थ है मैट्रिक्स के रूप में, ये कणिकाएं ठोस सूक्ष्म कणिकाएं जो कोशिकाएं भी कहलाती हैं। इसमें तीन नाम आते हैं, पहले मैं इसी को बता देता हूं, उसमें नाम लिख रहे हैं फिर डिस्कस अलग अलग से करेंगे। एक तो नाम आता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्। दूसरा नाम आता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्। और तीसरा नाम आता है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। पहला लिखा मैंने आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्, लाल रुधिर कणिकाएं रक्ताणु। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेताणु। और तीसरा प्लेटलेट बिंबाणु। तीन नाम दिए जाते हैं, रक्ताणु, श्वेताणु, बिंबाणु, ये तीन नाम आते हैं। ये बोला जाता है रक्ताणु, ये बोला जाता है श्वेताणु, और ये बोला जाता है बिंबाणु। इस तरह से तीन नाम आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीन नाम दिए जाते हैं। अब इसी में जो आरबीसी है, चलो अगले पहले प्लाज्मा को ले लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। इनको अभी तीन नाम बताया, सब जानते हैं इनको। प्लाज्मा में तीन तरह से वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहला वर्गीकरण तो है वाटर, जल, और ये होता है प्लाज्मा का 90 से 92% पार्ट, ये वाटर ही है। यानी ब्लड में प्लाज्मा 55% और उसका 90 से 92% पार्ट पूर्ण है वाटर है, जल है। नंबर दो, अकार्बनिक पदार्थ। नंबर दो मैं लिख रहा हूं अकार्बनिक पदार्थ। देखो रासायनिक रूप से पदार्थों को संगठन के आधार पर दो नाम देते हैं, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ तो वो है जिनमें कार्बन नहीं है, सीधा सीधी सी बात है, और कार्बनिक पदार्थ वो है जिनमें मुख्य घटक कार्बन होता है, और खासतौर से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आते हैं कार्बनिक यौगिक में। अकार्बनिक पदार्थ को ही एक नाम दिया जाता है, खनिज लवण, मिनरल, सामान्य भाषा में बोलते हैं मिनरल, खनिज लवण। हमारे ब्लड में जो अकार्बनिक पदार्थ है, मिनरल है, उसमें देखो आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट आदि, ये खनिज लवण मिनरल पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर अकार्बनिक पदार्थ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट आदि। सोडियम पोटेशियम ब्लड का सर्कुलेशन का नियमन, बीपी का जो नियमन करते हैं, ब्लड प्रेशर के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जैसे अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं अगर बीपी ज्यादा है तो नमक कम खाओ, अगर बीपी कम है तो नमक ज्यादा खाओ। अब नमक में क्या, कौन से आयन आएंगे भाई, सोडियम खासतौर से ऐसे, पोटेशियम ले लिया, कैल्शियम, इसका काम है हमारे बॉडी में वैसे तो बोन और टीथ का मुख्य घटक है। एक अपन पॉइंट पढ़ते हैं रुधिर का थक्का बनना, तो ब्लड की जो क्लोटिंग होती है उसमें कैल्शियम आयन का मेन रोल रहता है, वो रहता है। दूसरा एक इसी का पॉइंट, अगर क्वेश्चन आता है हमारे ब्लड में कौन सा खनिज लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है, अगर क्वेश्चन आता है ब्लड में कौन सा खनिज लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है तो नाम किसका आएगा, कैल्शियम का। ये ब्लड में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज लवण है, सर्वाधिक मात्रा वाला खनिज लवण कौन सा है, भी कैल्शियम है।
ध्यान रखना इसको। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत करके आयरन आंसर दे देते हैं, वो ध्यान रखना। रुधिर में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? वो है कैल्शियम, जो स्ट्रक्चर के अनुसार संगठन के आधार पे तो हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है, और ब्लड में ब्लड क्लोटिंग कराने में इसका मुख्य रोल है, रुधिर का थक्का बनाने में। मैग्नीशियम कोशिका में प्राश्नदाह में मेन रोल रहता है इसका। बाइकार्बोनेट, हमारे ब्लड के अंदर CO2 का परिवहन प्लाज्मा में मेनली मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ही होता है। इसी तरह से देखो फॉस्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट सारा किससे आ गया? हड्डियों से, रुधिर में जो चलता है वो सारा। तो यहां पर मेन पॉइंट ये बन जाता है। अब तीसरा जो है पदार्थ जो बचा प्लाज्मा में, वो बचा भाई कार्बनिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ है भाई? एक पदार्थ वही तो बताया भी अपन ने, दो ही प्रकार से बोलते हैं अपन, या तो अकार्बनिक या कार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ। और रुधिर में जो अकार्बनिक वो कार्बनिक पदार्थ है ना, जंतुओं में कार्बनिक पदार्थ को तीन मुख्य वर्गों में बांटते हैं। एक तो बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक बोलते हैं वसा, और एक बोलते हैं प्रोटीन। तीन पदार्थ बोलते हैं। पहला कार्बनिक पदार्थ मैं लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखा मैंने? कार्बोहाइड्रेट। सामान्य भाषा में शब्द इसके लिए यूज करते हैं अपन शर्करा। और इसमें ब्लड की बात करें को तो नाम आएगा ग्लूकोज। और रुधिर में इसकी मात्रा रहती है 65 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml, प्रति 100 ml। 100 ml रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा रहती है सामान्य रूप से, एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो 65 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml रुधिर में ग्लूकोज। तो एक क्वेश्चन आता है सीधा सीधा ब्लड शुगर, अगर ब्लड शुगर पूछेगा तो नाम किसका आएगा? ग्लूकोज का आएगा। जंतुओं के रुधिर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है। कल एक मैंने पॉइंट बताया था, कोशिका का ईंधन, फ्यूल ऑफ सेल, कोशिका का ईंधन की बात करेंगे तो नाम आएगा ग्लूकोज का। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का काम कौन का, ऊर्जा उत्पादन का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, और ये ग्लूकोज रुधिर के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। तो रुधिर में शर्करा पाई जाती है ग्लूकोज। मात्रा भी बता दी है मैंने मनुष्य के रुधिर में इसकी सामान्य मात्रा, ये 100 ml डेसीलीटर भी लिखा हुआ आता है, डेसीलीटर, क्योंकि वहां 100 ml 100 लीटर ये ऐसे अलग अलग मान आएंगे, तो ध्यान रखना। ये भी मिलीग्राम, ये भी ध्यान रखना, यहां ग्राम, इसी तरह से तो कंफ्यूज करेंगे वो। नंबर दो वसा, रुधिर में वसा। तो रुधिर में वसा की बात करें तो देखो पाचन जब अपने होता है ना, भोजन के पाचन के बाद में, तो रुधिर पचा हुआ सरल पदार्थ आता है वसी अम्ल और गिल्स रोल। तो रुधिर में वसा जो है, वसा के पाचन से वसी अम्ल, गिल्स रोल, और एक अपन शब्द सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल, और ये बहुत प्रचलित है भी आजकल कोलेस्ट्रॉल, ये वसा का ही रूप है। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुन लेना अच्छे से, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन हमारी बॉडी में ही होता है, और कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है लीवर के अंदर वसा के उपापचय से। जो भी घी तेलीय पदार्थ अपन खाते हैं, चिकनाई जिसको बोलते हैं, लिपिड, उसके मेटाबॉलिज्म से, उसके उपापचय से लीवर के अंदर बनता है कोलेस्ट्रॉल। अब ये दो प्रकार से अपन बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो सारा आता है वो अपन जो बोलते हैं फास्ट फूड में जो डालडा घी हो जाता है, सीधे सीधे भाषा में, देसी भाषा में याद रखो, देसी घी, डालडा घी जो अपन बोलते हैं, डालडा घी, सारा बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो वसा का ही रूप है, और लीवर में उत्पादित होता है वसा के उपापचय से, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 70 से 180 मिलीग्राम प्रति 100 ml। और ये बात कर रहे हैं अपन मानव रुधिर के लिए। हमारे रुधिर में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 65 से 110 मिलीग्राम, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आ रही है 70 से 180 प्रति 100 ml, ये अपन ने बताई मिलीग्राम प्रति 100 ml जो अपन ने बताया कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। तो यहां जो चीज मैंने बताई है प्लाज्मा में सब्ज मात्रा जल, फिर अकार्बनिक में मैन कैल्शियम, कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, वसा में इस रूप में मौजूद है मैन कोलेस्ट्रॉल जो अपन ने बताया इस मात्रा में पाया जा रहा है।
इनकी बात अपन बाद में करेंगे, फिलहाल अपन प्लाज्मा को लेके चल रहे हैं। तीसरा बताओ क्या बच गया कार्बनिक पदार्थ में, कार्बनिक पदार्थ में तीसरा जो बचा वो बचा भी प्रोटीन। और एक चीज और ध्यान रखना, हमारे रुधिर में कार्बनिक पदार्थ में या रुधिर में ये बात करें कि जल के बाद सब ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ प्रोटीन ही है। प्लाज्मा का 4.5% प्रोटीन ही मौजूद रहता है। प्लाज्मा पर नहीं बताया ब्लड का 55% पार्ट, उसमें भी 90 से 92% पार्ट कौन है, जल है। और चार बाकी जो बच गया 8% उसमें 4.5% प्रोटीन ही रहता है। तो कार्बनिक पदार्थ में तीसरा जो मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं प्रोटीन। और ये है प्लाज्मा का 4.5% भाग। प्रोटीन में पहला नाम तो आता है एल्ब्यूमिन, इसका काम है रुधिर के परासरण दाब का नियमन, रुधिर के प्रासरण दाब का नियमन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो मैंने बोला है, पहला प्रोटीन बताया रुधिर में, एल्ब्यूमिन रुधिर के प्रासरण दाब का नियमन। यहां शब्द आया है प्रासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रेशर प्रासरण दाब। देखो एक तो शब्द सुनते हैं अपन विसरण, एक शब्द आता है परासरण, दो शब्द लिखे हैं मैंने विसरण और परासरण। तरल पदार्थ अपन किनको कहते हैं, जो बह सकता है विच कैन फ्लो, वो तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ रहेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहता है। तरल पदार्थ का प्रवाह होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, इस तरह से बहता है। अब अगर पदार्थ मुक्त रूप से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बह रहा है वो तो है विसरण, मुक्त प्रवाह। तो पदार्थ का मुक्त प्रवाह, तरल का मुक्त प्रवाह है वो तो कहलाता है विसरण। जैसे एक बंद कमरे में परफ्यूम की शीशी खोल दी जाती है, पूरे कमरे में उसकी गंध हो जाना, वो क्रिया है विसरण। पड़ोसियों के पकोड़े बन रहे हैं अपने को कैसे पता चला, हलवा बन रहा है अपने को कैसे पता चला, कौन सी विधि है वो विसरण है। तो किसी भी तरल का मुक्त प्रवाह जो है वो तो है विसरण विधि। और परासरण, पदार्थ का प्रवाह तो हो रहा है उच्च से निम्न सांद्रता की ओर, लेकिन थ्रू मेम्ब्रेन, झिल्ली के थ्रू। अगर कोई भी पदार्थ झिल्ली के थ्रू उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है वो क्रिया कहलाती है परासरण। अब हमारी कोशिकाओं में, कोशिकाओं के चारों ओर पदार्थ लास्ट में रुधिर के द्वारा लास्ट कोशिकाओं तक पहुंचेगा। कोशिका में कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन। तो कोशिका से पदार्थ का अंदर, कोशिका में पदार्थ का अंदर जाना बाहर आना किसके माध्यम से हुआ, झिल्ली के माध्यम से। कोशिकाओं के चारों ओर झिल्ली है तो पदार्थ अंदर जाएगा या बाहर आएगा तो झिल्ली के माध्यम से तो जाएगा, और ये क्रिया कौन सी हो गई, प्रासरण हो गई। तो रुधिर के प्रासरण दाब का नियमन कौन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कोशिका में प्रासरण दाब का नियमन करती है रिक्तिका, कल पॉइंट डिस्कस किया था मैंने, ध्यान रखना कोशिका में। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कोशिका में प्रासरण दाब का नियमन, तब नाम आएगा रिक्तिका का। अगर क्वेश्चन आएगा रुधिर में प्रासरण दाब का नियमन, तब नाम किसका आएगा भाई, तब नाम आएगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब इसी का एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अपन ने बताया कि रुधिर के प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, और प्रोटीन यहां बता रहा हूं, बताऊंगा मैं तीन प्रकार के। पहला बताया मैंने एल्ब्यूमिन, यही सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन यही है एल्ब्यूमिन, जो ये काम कर रहा है। दूसरा बता रहा हूं मैं फाइब्रोनोजन, जैसा नाम से आ रहा है
फाइबर शब्द आता है रेशों के लिए, ये है भी रेशेदार प्रोटीन और फाइब्रोनोजन, ये काम आता है रुधिर के थक्के में, रुधिर थक्के का प्रोटीन, रुधिर थक्के का प्रोटीन, रुधिर का थक्का बनना, इसमें हमेशा क्वेश्चन बनता ही रहता है, ये पॉइंट मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अगर क्वेश्चन आएगा रुधिर थक्के का प्रोटीन क्या रुधिर थक्का बनता है तो कौन सा प्रोटीन जमता है, तो नाम किसका आएगा, फाइब्रोनोजन, और ये यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है रेशेदार प्रोटीन, कि रुधिर में कौन सा प्रोटीन रेशेदार है, तो नाम किसका आएगा, फाइब्रोनोजन का, तंतु में रेशेदार प्रोटीन है फाइब्रोनोजन। तीसरा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, तीसरा प्रोटीन जो बता रहा हूं मैं ग्लोब्यूलिन, रुधिर में पहला प्रोटीन एल्ब्यूमिन, दूसरा फाइब्रोनोजन, तीसरा ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन में भी तीन आ जाते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन, देखो अल्फा नाम भी लिखा हुआ जाता है या अल्फा शब्द प्रतीक आ जाएगा, बीटा ग्लोब्यूलिन, और फिर तीसरा तो तुम समझ ही गए होगे, तीसरा बोला जाता है गामा ग्लोब्यूलिन। पहला लिखा मैंने अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरा लिखा बीटा ग्लोब्यूलिन, तीसरा लिखा गामा ग्लोब्यूलिन। अब ये तीन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, इसका काम है कॉपर का परिवहन, ब्लड में कॉपर का परिवहन, जो कि एक धातु है, कॉपर का परिवहन। बीटा ग्लोब्यूलिन है आयरन का परिवहन, आयरन का परिवहन, वो है बीटा ग्लोब्यूलिन, और तीसरा गामा ग्लोब्यूलिन, ये है एंटीबॉडी का प्रोटीन, एंटीबॉडी का प्रोटीन। अब ये दोनों तरह से क्वेश्चन हो गया, देखो अगर क्वेश्चन आया एंटीबॉडी, जिनको अपन कहते हैं हमारे शरीर में लड़ने के लिए जो पाई जाती हैं, और अभी तो एंटीबॉडी पे अपन विशेष ध्यान दे रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, कोरोना से लड़ रहे हैं ना, एंटीबॉडी भी बनाने में विशेष ध्यान दे रहे हैं। एंटीबॉडी जो होती है वो बनी होती है प्रोटीन की, ध्यान रखना एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, जिनका निर्माण हमारे शरीर में WBC के द्वारा होता है, अपन पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र में, इम्यून सिस्टम में। और एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है, कौन से प्रोटीन की, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो ग्लोबुलिन में तीन नाम हो गए, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा कॉपर का परिवहन, बीटा आयरन का परिवहन, गामा ग्लोबुलिन है एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी का प्रोटीन है। एंटीबॉडी का निर्माण करती है WBC सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC करती है, खासतौर से बी लिम्फोसाइट जो अपन पढ़ेंगे। और एंटीबॉडी बनी किसकी होती है, प्रोटीन की, उस प्रोटीन का नाम क्या है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये बताया अपन ने रुधिर के प्लाज्मा में जो जो सारा पाया जाता है, ये क्वेश्चन पिछली बार पटवारी में आया था, ये वाला ध्यान दे लेना इसको, कि हमारे जो एंटीबॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, किस प्रोटीन की बनी होती है, तो नाम किसका आएगा, गामा ग्लोबुलिन का नाम आ गया। ये प्लाज्मा का पूरा मैंने बताया रुधिर में संगठन में, जंतु तक शुरू किया अपन ने, उसमें जंतु तक के वर्गीकरण बताया अपन ने अलग अलग जो पाए जाते हैं, फिर संयोजी में पहला अपन ने रुधिर लिया है तरल संयोजी उत्तक, जिसमें रुधिर के संगठन में अपन ने प्लाज्मा का वर्गीकरण किया है। रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे अपन अगली क्लास में।